ऐसा कहूँगा कि ये शायद अब अपने बिजनेस की तरफ बिल्कुल भी समर्पित नहीं है, अभी पूरी तरह से गाने पर ही समर्पित है और गाने को ही अपना पूरा समय देते हैं और यानी अपना भूख प्यास सब कुछ भूल जाते हैं रियाज के बीच में। और लगभग उनको मैंने जो जो दिया है रियाज का जो एक पूरा पैटर्न उसमें करीब 4 घंटे लगते हैं और 4 घंटे वो रियाज करते हैं लगातार, तो वो बहुत बड़ी बात है, बहुत कम लोग इतने इतनी शिद्दत से और इतनी मेहनत से रियाज कर पाते हैं। यमन जी, इंदौर में जो स्टूडियो है जी, रोज 10 गाने रिकॉर्ड होते हैं, उसका उस दिन वीडियो बनता है जी, आपका बहुत लोकप्रिय तो नई नई और स्थापित गायिका है, तो वो किस तरह से रोज 10 गाने की रिकॉर्डिंग और वीडियो बनाते हैं? इनका ट्रैक हम रोज बनाते हैं और ये पूरा टाइम देते हैं और नई नई सिंगर आती है हमारे बॉम्बे से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, हर शहर से आते हैं और हर गाना रोज एक एक गाना हम रिलीज करते हैं। और किशोर भाई पिछले 5 सालों से लॉकडाउन में भी रिलीज़ किया गया तो ऐसा कभी एक ब्रेक भी नहीं हुआ है, इतने संगीत प्रेमी हैं और सबको चाहने वाले हैं संगीत को, तो इन्हीं की मेहनत है, हम तो इनको एक सपोर्ट करते हैं और बिजनेस के साथ साथ ये पूरा ध्यान संगीत में भी देते हैं और ऐसा कोई भी दिन नहीं है जब ये रियाज नहीं करते और ऐसा कभी दिन आया नहीं कि वो गाना रिलीज़ नहीं हुआ। ये तो मैं इंदौर में आया था इनसे मिलने के लिए, एक बार इन्होंने इनवाइट किया था, बहुत ही अच्छा वार्म वेलकम किया इन्होंने और हम लोगों को बहुत अच्छे दर्शन भी हुए भगवान के वहाँ पर। और अभी आज मैं इनका प्रोग्राम देखने के लिए आया हूँ और मैंने अभी 2 ही गाने सुने, आपको सच बताऊँ कि कुछ लोग हैं कि अच्छा गाते हैं लेकिन किशोर भाई भी मुझे ऐसा लगा कि वो अच्छा तो ठीक है लेकिन वो सच्चा गाते हैं, वो जो गाते हैं वो दिल से गाते हैं, ये आपके ऊपर है कि आप इसको किस तरह से ले, वो दिल से गाते हैं और म्यूजिक की तरह मतलब म्यूजिक की तरफ उनका जो पैशन है वो देख के मैं उनको सल्यूट करता हूँ कि वहाँ से इतने दूर से यहाँ बॉम्बे आके इतने लोगों को एंटरटेन करना, इतने लोगों को मतलब ये म्यूजिशियंस के लिए हमारे सिंगर्स के लिए एक बोलते हैं ना एक अन्नदाता का काम कर रहे हैं। वाह, देखिए म्यूजिक तो आर्टिस्ट की आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है और आप म्यूजिक से जुड़ गए तो ये मान के चलना आप भगवान से जुड़ गए। और दूसरा हेल्थ में खुश रहने के लिए संगीत से अगर इंसान जुड़ जाए तो कई बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं, ये मैं उसका प्रत्यक्ष उदाहरण हूँ, मेरे को डायबिटीज़ थी, ब्लड प्रेशर था लेकिन पिछले 5-7 साल से मेरे को मालूम ही नहीं है कि डायबिटीज़ मेरे को कब हुई और कब चली गई, ब्लड प्रेशर कब हुआ और कब चला गया। दो ढाई साल तो कोरोना ने ले लिए, ये सबके लिए पूरा वर्ल्ड इससे प्रताड़ित रहा, हम भी प्रताड़ित रहे, आप निकलना चाहो तो निकल नहीं पा सकते थे, आप शो करना चाहो तो परमिशन नहीं थी, आज सरकार ने शो करने की परमिशन दी, हम दे तो कितनी खुशी हो रही आज जो पब्लिक के सामने आपका लोग काफी खुश नजर आ रहे थे। मेरे शो तो वैसे होते ही रहते हैं, मैं आपके बताता हूँ कि मैं किसी भी शो में किसी भी व्यक्ति से पैसे नहीं लेता हूँ और ना होटलिंग लेता हूँ, ना व्हीकल रहता हूँ, ना आने जाने की फ्लाइट की टिकट लेता हूँ, ये मेरा शौकिया काम है, मैं शौक पूरा कर रहा हूँ, इसी में मेरे को खुशी मिलती है, इसी में मेरे को बहुत मज़ा आता है। तो आपने कहा कि जो गाना है उससे काफ़ी, जैसे आपने बताया कि आपको कुछ प्रॉब्लम सी बीमारी सी दूर होगी, तो गाने को किस तरह आप देखते हो और क्या लगता है हर किसी के अंदर? सीधा सही गाना सीधा मेडिसिन है और इस मेडिसिन का अच्छे गुरु से अगर सीखते हो आप, अच्छा गुरु ही शिक्षा देता है, मेरे गुरु ये हैं भवदीप जी जयपुर वाला, आइए भैया आप इधर आ जाओ, ये हेमंत भाई साहब हेमंत गंगानी जी जो कि मेरे को संगीत की देवन से शिक्षा दिए हैं, हमारे भाई साहब हैं ये भी संगीत में बरसों से जुड़े हुए हैं और संगीत में खुश रहती दुनिया ही है लेकिन इसका वही जान सकता है
जिसको सच्चा गुरु मिले, ईमानदार गुरु मिले, और जो सुर राग ताल ढंग से सिखा सके तो ही ये मेडिसिन का काम करती है। नहीं तो माशाल्लाह मेरे को मालूम नहीं है, क्योंकि मेरे को तो सच्चा गुरु मिला है, मैं सीखा हूँ। गलत का क्या हो सकता है ये तो सोच सकते हैं, मेरे गुरुजी बता सकते हैं, लेकिन मेरे को इतना मालूम है कि मेरे को सच्चा गुरु, अच्छे गुरु हेमंत भैया भी मेरे को सिखाते, भवदी जयपुर वाला साहब भी सिखाते, भाई साहब भी संगीत से बरसों के साथ जुड़े हुए हैं, नितिन शंकर नाम है इनका, ये भी बड़े बड़े ग्रुपों के साथ जुड़े हुए हैं, बड़े बड़े शो करते हैं, ये हमारी खुशनसीबी है। रजनी आए न बालम का करूं, सजनी आए न बालम खोज रही है पिया परदेसी अखियां, खोज रही है पिया परदेसी अखियां आए न बालम। किशोर भाई बहुत मेहनती हैं और बहुत व्यस्त व्यक्ति हैं ये, फिर भी गाने का उनका जो जुनून है वो ऐसा है कि ये गाने के लिए सुबह 4 बजे उठकर रियाज करते हैं, जो आज की तारीख में बहुत कम लोग शायद कर पाएंगे। सुबह 4 बजे उठकर ये रियाज करते हैं, और जो रास्ता इनको मैंने बताया है और उस रास्ते पर ये बिल्कुल लगातार रियाज करते रहे। अभी बीच में क्योंकि 2-2.5 साल से कोविड का टाइम था तो मिलना जुलना ज़रा मुश्किल था, और ऑनलाइन में बहुत सारे इन्वेंसेस रह जाते हैं तो ऑनलाइन में बहुत कुछ नहीं सिखाया जा सकता, लेकिन फिर भी इन्होंने अपना रियाज जो है वो जारी रखा, और हेमंत रियाज करवाते हैं, गुरु हेमंत भी सिखाते हैं और हेमंत इनके साथ दौर ही रहते हैं। तो टाइम मैनेज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, इन्होंने टाइम मैनेज किया है, रियाज करते हैं और स्टेज पर बड़े दबंग तरीके से गाते हैं, जो आप लोगों ने अभी सुना ही होगा। और इनका जो प्रेम है संगीत का वो बड़ा विलक्षण है, और ऐसा प्रेम बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। आज ये बात बहुत खूबसूरती के साथ कहती हूँ कि गाना गाना इतना आसान नहीं है। एज ए बिजनेस मैन होने के बाद भी उन्होंने अपने लिए अपने आर्ट को साथ में ज़िंदा रखा है, और वो आर्ट ज़िंदा रखना ये अपने आप में खूबी है, क्योंकि उनके पास 2 मिनट का टाइम नहीं होता, लेकिन फिर भी उन्होंने आर्ट ज़िंदा रखते हुए बहुत सारे आर्टिस्टों की रोज़गारी बनाई है। आज कोरोना के बाद लोगों के पास काम नहीं है, सो मुझे इतना अच्छा लगा कि उन्होंने अपने साथ साथ लोगों का भी मान रखा है और लोगों को रोज़गारी देने का ये काम शुरू कर दिया है। इस शो के बाद उनके काफ़ी सारे शोज होने वाले हैं। जिस तरह से किशोर जी बिजनेस मैन है, उसके साथ उनका संगीत की तरफ इतना प्यार और जो उन्होंने आयोजन किया, किस तरह से किशोर वाधवानी जी जो है इतने अच्छे सोशल वर्कर है और संगीत की बहुत प्रेमी है वो, और जितने भी संगीत गायन वादन में जितने लोग हैं सबको बहुत प्यार करते हैं, और ये संगीत की पुजारी आप बोल सकते हैं, और इज वेरी ग्रेट बिजनेसमैन, और मैं बहुत थैंकफुल हूँ। जो है सैड संग पसंद करते हैं, बहुत सारे नहीं करते, बट मैं पर्सनली स्टेज में फास्ट सॉन्ग परफॉर्म करती हूँ ज़्यादा, और मेरे जो भी गाने हिट हुए हैं वो या तो रोमांटिक हुए हैं या तो सैड रोमांटिक सॉन्ग्स, सो ये मेरा जॉनर है, मैं ज़्यादा रोमांटिक और सैड रोमांटिक गाती हूँ मेनली, पर मेरे काफ़ी सारे गाने जो है डांस में भी है, जैसे लव शप प्यार व्यार मूवी में मेरा एक सॉन्ग है बहुत ही अच्छा चला कुणाल गंजावला के साथ, वो भी मोर देन 150 मिलियन है यूट्यूब में, टी सीरीज से रिलीज़ हुआ था। सो गाइज अभी मैं अपना एक सॉन्ग गाना चाहती हूँ जो प्लैनेट एंड प्रोडक्शन से रिलीज़ है। दिल तोड़ना ही था तो दिल से लगाया क्यों, न इश्क निभाना था तो इश्क सिखाया क्यों, दिल तोड़ना ही था तो दिल से लगाया क्यों, न इश्क निभाना था तो इश्क सिखाया क्यों, तेरे बिना जीना सजा लगे, तेरे बिना जीना सजा लगे, देनी थी नफरतें तो अपना बनाया क्यों,
दिल तोड़ना ही था तो।